भिंड जिले के मेहगांव जनपद अंतर्गत किंगरखी पंचायत में मनरेगा के तहत पक्का नाला निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जबकि इसके तहत कच्चा काम करवाने में मजदूरों को कार्य मिलता है, लेकिन यहां इसके उलट कार्य हो रहा है। सरपंच पति अनुसार मनरेगा के तहत पक्का नाला निर्माण कार्य हो रहा है, लेकिन जो मजदूर लगे हैं वह बाहरी हैं। मनरेगा में जो मजदूर होने चाहिए वो पंचायत के होने चाहिए। हाँ, पंचायत के। कौन सी पंचायत है आपकी? घेरखी। लेकिन ये आधे से ज्यादा जो मजदूर लगे वो बाहर के लगे? नहीं, सब घेरखी के ही है सरपंच। नहीं, नहीं, बाहर के लगे हैं ना। नहीं, ये घेरखी के, जो घेरखी जो सब लगे हैं। ये नहीं, जो बाहर के लगे हैं उसके, बाहर के लगे हैं, बात हो चुकी है, बैठ गए हमारे पास, वो घेरखी के ही है बाहर। इसमें जो रेत मिलाना चाहिए और रेत की जगह पर डस्ट मिलाई जा रही है, काली गिट्टी की जो रेत और का डस्ट दोनों मिला के चला रहे हैं। नहीं, ये देखो आपके सामने, आप कह रहे हो कि दोनों नहीं, ये नहीं, आप रवि देखो, सब मैदान चल रहा है, देखो ना इधर कम चला है, इसके विजुअल है हमारे पास, सामने दिख रही है, देखिए इसमें कोई रेता नहीं है, केवल डस्ट डाली जा रही है। नहीं, डस्ट आ रही, रेता भी आ रहा है, डस्ट मिल रही है, दोनों मिला के चला रहे हैं। मजदूरों से न तो सोशल डिस्टेंस का पालन कराया जा रहा है, न ही मास्क दिए गए हैं। गिंगरखी पंचायत में नाला की लंबाई 1.84 है और निर्माण कार्य की राशि लाखों रुपए। इसमें सीमेंट ना के बराबर लगाई जा रही है, रेत की जगह पर डस्ट का प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी स्वयं वहां पर कार्य कर रहे मजदूरों ने उसका खुलासा किया है। गिंगरखी पंचायत में कार्य कर रहा है। तो आप कौन सी पंचायत से? महाराजपुरा पंचायत। महाराजपुरा पंचायत, कितने लोग हो? हम चार लोग हैं। चार लोग? आपकी पंचायत में काम नहीं मिला? नहीं मिला है। तो गिंगरखी पंचायत में काम चल रहा है? हाँ, गिंगरखी पंचायत में काम चल रहा है। अच्छा, जैसे आप लोग काम कर रहे हो, किसके द्वारा कर रहे हो, कौन करवा रहा है काम? हम सरपंच के द्वारा, इन्होंने लेवल नहीं मिली यहाँ पे। सरपंच ने कोरोना काल में जो आप काम कर रहे हो, और आप जैसे कि सभी लोग दिख रहे हो, किसी ने मास्क नहीं लगाया? नहीं, हमारे पास गमछा है सर। अभी वर्तमान में किसी ने मास्क नहीं लगाया? सरपंच ने मास्क दिए, काम करवा रहे हैं? नहीं, सरपंच ने मास्क तो यहाँ नहीं दिया। जब हमारी टीम मौके पर पहुंची और रेत मौके पर नहीं मिला, डस्ट ही मिली, जिसका प्रयोग मसाले में किया जा रहा था, मजदूरों को भुगतान भी समय पर नहीं दिया जा रहा है। गुणवत्ताहीन कार्य को लेकर जब हमने इस संबंध में जनपद में गांव जनपद सीईओ अतुल सक्सेना से बात की, तो उन्होंने कहा कि रेत की जगह पर डस्ट का प्रयोग हो रहा है, यह गलत है और कार्य पंचायत के मजदूरों को मिलना चाहिए। यदि ऐसी लापरवाही हो रही है तो सरपंच सचिव के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इस तरह से वहाँ जो डस्ट मिला करके काम कराया जा रहा है, इसकी हम जांच कराएंगे और जांच कराने के बाद जो भी आवश्यक कार्यवाही हो जाएगी। क्या डस्ट अलाउ है? नहीं, इसमें नॉर्म के अनुसार अलाउ नहीं है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। फिर भी हम इसकी जांच कराने के बाद ये आपको सही स्थिति बता पाएंगे। रेता बिल्कुल नहीं मिलाया जा रहा, कहीं पर भी रेता दिखाई नहीं। जाँच होगी कब तक? जाँच होगी पर कब तक? जाँच के लिए हम अपने सहायक एंट्री और एंट्री को लिखेंगे। भिंड से प्रदीप रजावत की रिपोर्ट।